जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं एंड नरेशन का कई वीडियोज सिस्टमैटिकली मैंने अपलोड किया है और आप तक पहुंचाया है। आप सभी वीडियो को देखते आ रहे हैं, है ना। मुझे लगता है इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन आप से मेरा ये कहना है कि आप हर वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एक नंबर, है ना, एक नंबर में लिखते हैं, है ना, लिखते हैं इफ द आर एस बिगिन्स विथ ओ डेट ETC। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए। समझिए क्या करना है। इफ यदि द आर एस रिपोर्टेड स्पीच बिगिन शुरू होता है विथ ओ डेट, यदि आर एस रिपोर्टेड स्पीच ओ डेट से शुरू हो या ओ डेट से शुरू हो या ओ डेट से शुरू हो या इफ ऑनली से शुरू हो, आई विश से शुरू हो, वी विश से शुरू हो, ओ फोर से शुरू हो, ओ इफ से शुरू हो, यदि आर एस रिपोर्टेड स्पीच इसमें से किसी भी वर्ड से शुरू होता है तो हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए, है ना। चलिए लिखिए, है ना, ए नंबर में लिखिए चेंज द आर बी इन टू ईगरली विश। याद रहेगा, है ना, चेंज, बदल दें द आर बी रिपोर्टिंग वर्ब को इन टू ईगरली विश। आर बी जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, आप उसको ईगरली विश में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ईगरली विश में बदलेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बी नंबर में यूज दैट इन प्लेस ऑफ कोमाज, है ना। देख रहे हैं क्या लिखा, यूज दैट, दैट का प्रयोग करें इन प्लेस ऑफ कोमाज, कोमा के जगह पर, जहां कोमा होगा वहां आपको दैट लिखना है। याद रहेगा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ कोमाज, यूज करें दैट का इन प्लेस ऑफ कोमाज। सी नंबर में देखें, रिमूव ओ डेट, यदि ओ डेट से शुरू होगा तो ओ डेट को रिमूव करना है, ओ डेट को रिमूव करना है, उड डेट को रिमूव करना है, है ना, इफ ऑनली को रिमूव करना है, आई विश को रिमूव करना है, है ना। फिर जैसे देखिए, वी विश को रिमूव करना है, ओ फोर को रिमूव करना है, ओ इफ इट इज, ये सब को रिमूव कर देना है, है ना। इसी से आरेस्ट की शुरुआत होगी, इनडायरेक्ट में बदलने पर ये सभी वर्ड को क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, है ना। रिमूव ओ डेट को हटा दे, ओ डेट को हटा दे, उड डेट को, इफ ऑनली, आई विश, वी विश, ओ फोर, ओ इफ, ना, ऑल दीज वर्ड शुड बी रिमूव्ड वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये सभी वर्ड को रिमूव कर देना, है ना। नेक्स्ट डी नंबर में, चेंज पर्सन एंड अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग
टू रूल्स, ध्यान दें, है ना, चेंज कर दें पर्सन एंड अदर वर्ड्स, पर्सन एंड अदर वर्ड्स को, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल के अनुसार पर्सन को चेंज करने आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये याद रखिए, इसके अनुसार पर्सन एंड अदर वर्ड्स को चेंज कर दें, और ई नंबर में फाइनली लिखें डोंट चेंज टेंस, डोंट चेंज टेंस, टेंस चेंज ना करें, ऐसे सिचुएशन में टेंस चेंज ना करें, याद रहेगा, if the RS begins with oh that would that, if only I wish oh for oh if, इसमें से किसी से भी यदि RS reported speech direct narration में शुरू होगा तो indirect में बदलने के लिए पहली बात आपको याद रखना है चेंज द आरबी इन टू ईगरली विश, आरबी को क्या करें ईगरली विश में बदल दें, यूज डेट इन प्लेस ऑफ कोमा, जहां कोमा होगा वहां डेट लिखें, रिमूव ओ डेट वुड डेट इफ ओनली आई विश वी विश ओ फॉर ओ इफ, ये सभी वर्ड्स जो है सबको रिमूव कर दें, हटा दें, एंड चेंज पर्सन एंड अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, पर्सन एंड अदर वर्ड को रूल के अनुसार बदल दें, तब देखिए क्या लिखा, डोंट चेंज टेंस, टेंस को चेंज ना करें, डोंट चेंज टेंस, टेंस को चेंज ना करें, तो इसको आप याद रखेंगे, यदि आरएस ये सभी वर्ड से शुरू होगा तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, है ना, इसलिए आप इसको, है ना, सीख जाए, है ना, समझ लें, अच्छी तरह देखें, है ना, एकदम यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो आपको, है ना, मैं गारंटी देता हूं कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में, है ना, शी सेड, है ना, ओ डेट आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, है ना, देखिए यहां पर देखिए ये आरएस रिपोर्टेड स्पीच है, ये आरएस है, इसकी शुरुआत ओ डेट से हुई है, किससे हुई, ओ डेट से, आरएस की शुरुआत किससे हुई, ओ डेट से हुई, तो अब आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए पहली बात याद रखना शी, और ये आरबी जो है ये आरबी इसको ईगरली विश में कन्वर्ट कर देना है, किसमें, ईगरली विश में, तो चलिए ईगरली लिखते हैं, ईगरली लिखते हैं और विश लिखते हैं, ये विश तो वर्ब है, सेड पास्ट टेंस में इसलिए विश हो जाएगा, ईगरली विश हो गया, यहां देखिए कोमा, कोमा के जगह क्या लिखिए, डेट, कोमा के जगह क्या लिखोगे, डेट, है ना, तब उसके बाद ये ओ डेट ये सब को क्या करना है, हटा देना है, पर्सन और अदर वर्ड को चेंज कीजिए, पर्सन यहां देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहां शी है तो आई के जगह क्या हो जाएगा, शी, लेकिन याद रहे टेंस चेंज नहीं होता है, यानी वर्ब में किसी भी तरह का चेंज नहीं करना, शी वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, है ना, इस तरह यहां देखिए जैसा वर्ब यहां है वही वर्ब यहां लिखे, ऐसी स्थिति में टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, है ना, डायरेक्ट नरेशन में देखिए लिखा है ना, श्याम सेड ओ फोर है ना शी हैड सांग अ सॉन्ग, है ना, ओ फोर शी हैड सांग अ सॉन्ग, यहां देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है आरएस है, ये रिपोर्टेड स्पीच है आरएस है, तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिएगा, तो ये जो आरबी है इसको ईगरली विश में आपको बदल देना है, किसमें बदल देना है, ईगरली विश में बदल देना है, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे श्याम ईगरली विश्ड,
क्या लिखे, श्याम इगर्ली विश्ड, ये आरवी पास्ट में इसलिए पास्ट कर दिए, कोमा के जगह क्या लिखे डेथ, और ये ओ फोर को क्या करें रिमूव कर दें, हटा दें, इनडायरेक्ट में इसका यूज नहीं किया जाता है। अब शी कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये नहीं चेंज होगा, तो शी लिखे, टेंस तो चेंज करना ही नहीं है, हैड सन अ सॉन्ग, ऐसे ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। एक और एग्जांपल देखिए डायरेक्ट नरेशन में, दे शेड है ना, वी विश है ना, वी वेंट टू अमेरिका है ना, देख रहे हैं है ना, दे शेड वी विश वी वेंट टू अमेरिका, यहां से यहां तक ये क्या है, आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, और यहां पर देखिए वी विश से शुरू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये जो आर भी है इसको इगरली विश में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए लिखा है दे है ना इगरली है ना विश, दे इगरली विश हो गया, यहां कोमाज है, क्या लिखेंगे आप, डेट लिखेंगे, और ये वी विश है इसको क्या करेंगे हटा देंगे, वी फर्स्ट पर्सन यहां सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसलिए ये सब्जेक्ट के जगह पर दे चला आएगा, और ये वेंट पास्ट इंडेफिनिट में है, ऐसी स्थिति में टेंस नहीं बदलता है, तो वेंट ही लिखे, वेंट टू अमेरिका, वेंट टू अमेरिका है ना, बहुत ही है ना सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है ना, आप इसको नोट कर लें, अच्छी तरह समझ लें, यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें है ना, ये जो वीडियो है सिर्फ इंटर पास करने के लिए ही नहीं है, है ना, आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप आने वाले एग्जामिनेशंस को एग्जामिनेशंस में है ना ये सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए है ना, आप इन सभी वीडियोज को शुरू से अंत तक देखें है ना, और समझें, नोट कर लें, दिक्कत हो तो कमेंट करें है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।